हाजी मोहम्मद अब्बास अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा रखते हैं। जब रिपोर्टर ने हाजी मोहम्मद अब्बास से ग्रामीण विकास विभाग में 4-5 लोगों को नौकरी दिलाने की सिफारिश की तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि इस काम के बदले में वो क्या लेंगे तो एक सच्चे मुसलमान की तरह उन्होंने कहा, पैसे तो मैं लेता नहीं, न पैसों के बल पर काम करता भैया, मैं खुद नहीं करता, मेरे लिए तो गलत और हराम है, लेकिन मुझे लगता है बिना सिफारिश के नंबर 2 से काम होता है, कैसे तो मैं आपको हिंट दे दूंगा और मैं आपको ही भेजूंगा। कल बात हुई थी हमारी आपसे ग्राम विकास अधिकारी वाले, तो हमारा भाई है उनके लिए। आप उसको हाँ फॉर्म कॉपी दे दूंगा, डिटेल तो हो जाएगी। अच्छा क्या बेस्ट हो सकता है उसमें देखते हैं। क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बस आप देखो जो उसका भराओ फार्म का, आपका टेलीफोन नंबर तो जो भी उसको चाहिए मैं बता दूँगा। और फिर पेमेंट पैसे होगा? ये पैसे तो मैं तो देता नहीं ना, पैसे करके मैं काम करता भैया, मदद होगी जहाँ अगर चल रहा होगा बता दूँगा, साथ तो भेजवा दूँगा, कोई चला जाता भैया, क्योंकि मैं किसी का पैसे नहीं दूँगा। अगर मुझे लगा ऐसा कि कहीं कोई घर के कर रहा है मुझका, तो मैं आपसे कह दूँ मैं खुद कोई कर सकता हूँ, मेरे लिए गलत और आराम है मैं तो। लेकिन अगर मुझे लगता है कि बिना सिफारिश के नंबर 2 से ऐसा कैसे काम होता, मैं आपको हिंट दे दूँ और आपको ही भेज दूँगा। अच्छा अच्छा हाँ। रिपोर्टर ने अब्बास को यह कहा कि उसे पता चला है इस भर्ती के लिए 12-13 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। इस पर हाजी अब्बास का कहना है, आप अगर इंटरेस्टेड हो इतने पैसे खर्च करने में, 12 लाख खर्च करने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर वो कहीं होता होगा तो प्रायोरिटी में आपका करा देंगे। मुझे बात है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12-13 लाख रुपये आपको पर करने देना पड़ेगा। ऐसे भी चल रहा है लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं मदद कर रहा हूँ एस बी में से मुश्किल कसम, आप ले आओ और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इतने पैसे खर्च करने होंगे, 12 लाख रुपये खर्च करने होंगे इंटरेस्टेड, वो कोर्ट करके कहीं होता हो तो प्रायोरिटी पर आप करवा देंगे। अच्छा हम इतना कर सकते हैं कि हो जाए। हाँ वही हम तो ये चाहते हैं, तो आप कहें तो चारों लेके आओ, फिर आप चारों ले आओ मुस्लिम से। हाँ अबू जान कह रहे थे कि ये तो अपना है घर का है, तो एक बार वो कंफर्म कर देंगे तो भाई रिश्तेदार वाले मामला है, थोड़ा सा पैसे वैसे की बात होगी, तो इसलिए एक बार नेता ही कंफर्म कर देंगे तो फिर उन लोग काम दे देंगे। देखो चीज़ें कंफर्म कुछ नहीं होती, इतना हो सकता है कि चीज़ें जाए सब लोगों के सामने बात नहीं होती। हाँ वही चीज़ें इतनी छोटी हमारी लेट हो सकती है, अगर नहीं हुआ काम तो पैसे नहीं मिलेंगे जी, पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई कंफर्म क्या पॉलिसी बन जाए, क्या कोशिश की जाती है पैसे किसी के, अगर कोई पैसे जाएंगे हमारे माध्यम से तो पैसे मरेंगे नहीं, इतनी छोटी हम अपने आदमी से करा सकते हैं। बस वही चाहिए हमें और क्या चाहिए। तो वो फिर 2-3 जो नाम है सकते हैं वो लिया। अच्छा अच्छा हाजी अब्बास से सारी बातें तय हो गई। अब बात इस काम के एवज में लगने वाली रिश्वत पर आई। जो हाजी अब्बास शुरू में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे वो अब खुलकर पैसे की बात करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपया टोकन मनी लेने की बात कर डाली और कहा जिनके टोकन अमाउंट आएंगे फिर उनकी हिसाब से बात की जाएगी, डन कर दिया जाएगा, ऊपर नीचे जो होगा बता दिया जाएगा, न हुआ वापिस हो जाएंगे पैसे। लेकिन चपरासी में खाली 6-6 लाख चल गए। हाँ छोटे छोटे मामलों में तो है लोगों को तो दे रहे, तो फिर वाले साहब ही करा देंगे, मंत्री से पूछ लीजिए कि अगर वो कंफर्म करते हैं तो फिर वो आ जाएंगे। उनको तबीयत ठीक नहीं है, उनको दिल्ली से लाना है। ऐसे नहीं कर सकता, पहले मैं लखनऊ से कहूँ कंफर्म कर ये है कि जिनके टोकन अमाउंट आएंगे उनकी उनके हिसाब से बात की जाएगी, डन कर दिया जाएगा, ऊपर नीचे जो होगा बता दिया जाएगा, ना होगा वापस हो जाएंगे पैसे। जब आप टोकन अमाउंट की बात कर रहे हैं तो मैं अभी आपको थोड़ा यही देता हूँ अपने भाई का पक्का, थोड़ा सा अभी 2 लाख नहीं, इसमें कम से कम 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कम से कम टोकन अमाउंट 1000-2000 की
उसकी थोड़ी बेचने पड़ते ना पचास हज़ार। अच्छा, ऐसा नहीं होता ना कि मतलब टोकन अमाउंट का मतलब 25% होता है। अच्छा, एक का दो लाख मिनिमम होना चाहिए, जो बाकी रोक रहेगा बता दो। तो ठीक है, मैं दो चार दिन में 2 लाख भिजवा दूंगा, लेकिन ये आप कर लीजिए। नहीं नहीं